जब भी ये रामायण जो चल रहा है आजकल, तो उस समय खत्म होता था 10:30 को, और तब से हमारा सर्वर स्पाइक करता था और वो क्रैश हो जाता था। और इवनिंग में ऐसा हुआ कि हमें पुलिस बुलानी पड़ी। क्या बोल सकते, शुगर उतना खाओ भाई कि डायबिटीज ना हो। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो लूडो किंग लेके प्रभु का नाम। जी हाँ, प्रभु का नाम लेना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज लूडो किंग में सबसे बड़ी डेंजर जो है कि आपकी गोटी कभी भी कट सकती है। आप फर्स्ट आ रहे हो, लेकिन आप एक मिनट के अंदर लास्ट भी आ सकते हो। सो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं द क्विंट और क्विंट हिंदी में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मिस्टर विकास जायसवाल, जो कि लूडो किंग के फाउंडर एंड सीईओ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विकास जी की, आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है? सबसे पहले आपके व्यूअर्स को, सारे व्यूअर्स को नमस्कार, और लूडो किंग प्लेयर्स को। जहां तक मेरे गेम खेलने का सवाल है, तो लूडो किंग मैं भी खेलता हूं, और पिछले 2-3 बार से मैं लगातार हार रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि गेम बिल्कुल उसमें कुछ प्लानिंग किया हुआ। सर्वर किसी को नहीं जानता है, सर्वर से डाइस आती है, डाइस की वैल्यू आती है। और सर्वर, और मैं तो ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे यूजर्स हैं जो लोग बोलते हैं गेम इज रिग्ड, तो मैं एक बात क्लियर आज बताना चाहता हूँ कि अगर गेम रिग्ड है, अगर कोई पैटर्न है, तो वो अगले दिन वो गेम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और ऐसा गेम कोई बनाना नहीं चाहेगा जिसमें कोई पैटर्न है, और या फिर हायर प्लेयर्स को जीतते हैं, लोअर प्लेयर हारते हैं, ब्लू वाली जीतती है, ग्रीन वाली हारती है, जो परचेज करते हैं वो जीतते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो सारे लोग ये पी करेंगे, परचेस करेंगे और जीतने लगेंगे। जो ब्लू लेगा वो ऑलवेज जीतेगा, तो नेक्स्ट टाइम वो खुद ही नहीं खेलेगा, अरे मैं तो बार बार जीत जाता हूँ। लूडो जो गेम है वो 50% लक है एंड 50% स्ट्रेटजी है। जो लोग लगातार हार रहे हैं, वो लगातार जीत रहे, दैट इज जस्ट लक। सो लॉकडाउन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट हैज द रिस्पांस बीन इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन? ये पहला गेम है जिसने 100 मिलियन क्रॉस किया है। इंडिया का कोई भी गेम है जो ऑन गूगल प्ले 100 मिलियन क्रॉस नहीं किया, एक्चुअल में हमने 350 मिलियन क्रॉस किया हुआ है। बिफोर लॉकडाउन हमारे डेली एक्टिव यूजर्स 13 to 15 मिलियन हुआ करते थे एक दिन में, 1 से 1.5 करोड़ लोग खेलते थे। आज के टाइम पे जब लॉकडाउन स्टार्ट है, और तो अभी हमारे यूजर 5 करोड़ है, 50 मिलियन। तो ये है यू कैन से मोर देन 3 times यूजर बेस इज इंक्रीज, एंड मंथली एक्टिव यूजर्स इज 185 मिलियन। और अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जब भी ये रामायण जो चल रहा है आजकल, तो उस समय खत्म होता था 10:30 को, और तब से हमारा सर्वर स्पाइक करता था और वो क्रैश हो जाता था। तो पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि मेंटेनेंस का एक पॉपअप लगा देते थे। हाँ जी, वो सबको सबको दिखाया कि सर्वर अंडर मेंटेनेंस, और ये करीब 7 दिन 8 दिन तक, यस इस तो ड्यूरिंग 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए हम लोग वो मेंटेनेंस लगाते थे 10:30 से 12 बजे के पास तक। और हमने फिर काफ़ी मेहनत किया, जो हमारी टीम है लूडो किंग की, आज बहुत मेहनत कर रही है, उनको भी एक ये कॉन्ग्रेचुलेशन की वो बहुत मेहनत कर रही, रात रात भर, एवरी सेकेंड 1 लाख लोग आते थे नए। और एक जो हमारा सेशन है लूडो का, मिनिमम 30 मिनट्स चलता है, तो ऐसा ही स्पाइक होता था 10:30 को, शायद रामायण खत्म होता था, उसी के बाद हमने ये फेस किया कि तुरंत में जंप करता था ये नंबर्स। इसमें मैं एक और बताना चाहूंगा कि हम लोग 2 फीचर्स और जल्द से जल्द ला रहे हैं, ऑडियो चैट इन प्राइवेट फ्रेंड्स मोड ओनली, बिकॉज द गेम इज फैमिली टाइप, तो हम लोग अब इसको ओपन लॉबी में नहीं रखेंगे, ऑडियो चैट प्ले विद फ्रेंड्स में रहेंगे। दूसरा, हम लोग 6 मोड और 5 मोड भी ला रहे हैं ऑनलाइन प्लेयर्स मोड लॉबी में। यस, आजकल बहुत लोग मेल करते हैं कि हमारे 6 लोग हैं और हम लोग कैसे खेले। राइट, ये हमारे दोस्तों में भी होता रहता है कि जो 4 पहले आ गए, गेम स्टार्ट हो गया, और 2 लोग छूट जाते हैं कि अरे यार तुम लेट हो गए, हमने तो गेम स्टार्ट कर दिया, तो ये होता रहता है। तो अभी 6 लोग एक साथ खेल, बिकॉज ये आई थिंक ऑप्शन है,
लेकिन ये ऑप्शन इस लोकल में है, लोकल हमें तो मेल आते हैं कि आप 10 प्लेयर का ही बनाओ, 12 प्लेयर का ही बनाओ, नॉट पॉसिबल। दो दो घंटे तक चलता रहेगा, दो तीन घंटे चल सकते हैं। एक चीज मुझे इससे याद आया कि जैसे चार प्लेयर में जो मजा है वन ऑन वन के मुकाबले, जो चार प्लेयर में ज्यादा मजा है कि आप हर मोड़ पे किसी को काट सकते हो। बहुत जो दोस्त है, जो आपस में जो दोस्त खेलते हैं, उनको मजा इस बात में भी आता है कि भाई मेरी गोटी होम पे पहुंचे ना पहुंचे, मैंने दूसरे की गोटी को काट दिया, खासकर अगर वो पकी हुई गोटी हो। तो आपको भी पर्सनली मतलब काटने में ज्यादा मजा आता है या भगाने में? मैं फोर प्लेयर्स इसलिए नहीं खेलता हूँ, मैं टू प्लेयर्स ज्यादा खेलता हूँ, क्योंकि मैं जब फोर प्लेयर्स खेलता हूँ, मैं जब बाहर निकलता हूँ कोई आके काट देता है, तो काफी इरिटेशन होती है। राइट, सो ये कोई आपने डेडलाइन सेट किया है कि ये सिक्स प्लेयर्स कब आएंगे, सिक्स प्लेयर वाला और चैट ऑप्शन और ऑडियो चैट? ये मंथ एंड या फिर अगले मंथ के 15 जून से पहले आ जाएंगे, 15 जून से पहले ऑडियो चैट और 5 and 6 प्लेयर्स इन ऑनलाइन मोड चल जाएंगे। आप इसको मतलब इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग इट अप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि इसका कोई टूर्नामेंट किया जाए? क्योंकि आई नो कि मैं और मेरे जो दोस्त है वो आपस में, हमने 8-10 जो दोस्त है हमने मिलके अपना एक लूडो का एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, वन ऑन वन का। उसमें बहुत झगड़ा हुआ और बहुत उसमें लड़ाई हुई और लोगों ने बोला कि रीमैच करो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया ये वो। तो इसके बारे में अभी किसी ने आपको अप्रोच किया है या आपने सोचा है कि ऐसा कुछ कर सकता है? इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमने लास्ट ईयर कुछ करना चाहा था, कुछ बड़ा करना चाहा था, अभी वो मैटेरियलाइज हुआ नहीं। तो वो बड़े तौर की बात कर रहा हूँ मैं, इवन मैं कह सकता हूँ कि उसे टीवी पे लाने का हम लोग सोच रहे थे, अभी आगे भी सोचेंगे। और आपने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि 5 ट्रिक्स ऐसे जो आपको हर गेम जिताएगा, या कैसे हमेशा 6 लाया जा सकता है? क्योंकि अगर आप YouTube में चेक करेंगे, और मैं ऐसे ही देख रहा था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बहुत सारे वीडियोस हैं जो लोग घर में बैठ बैठ के बनाते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि आप डाइस को 1 सेकंड दबा के रख के फिर छोड़ना तो 6 की संभावना बढ़ जाती है, या ग्रीन से। ये एटलीस्ट मैंने 5 अलग अलग वीडियोज में देखा है जो लोग बहुत कॉन्फिडेंटली एज लूडो गुरु मतलब ये टिप्पणी करते हैं। ये सब सुन के हम लोग हंसते हैं जितने भी डेवलपर्स हैं, बिकॉज ये सब ट्रिक्स लगाने जाएंगे तो ये तो पैटर्न है, और ये पैटर्न अगर है तो सब लोग अप्लाई करेंगे, और जब अप्लाई करेंगे वो जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो वो थक जाएंगे जीतते जीतते, अगले दिन वो खेलेंगे नहीं। तो गेम में जब तक नेचुरल नहीं हो गेम, तब तक मजा नहीं आता। आपने जो बताया ना कि डाइस को पकड़ के रखो, ये मैंने भी पढ़ा था और मुझे किसी ने बोला था तो मुझे काफी हंसी आई थी। पर लोगों ने आपको बोला है कि विकास जी कोई चीट कोड है कि नहीं, कोई इसमें कोई आपका कुछ आपके पास ऐसे लोग अप्रोच करते हैं? बहुत अप्रोच करते हैं। अभी तो 3 महीने पहले की बात है, हमारे ऑफिस में एक 18-19 साल का एक लड़का आ गया और मुझसे मिलना चाहता है। क्यों भाई? तो दोस्तों के साथ वो खेलता है, वो हार जाता है, उसको कुछ चीट कोड चाहिए। वो इतना जिद कर रहा था कि सुबह आया और शाम तक हमारे ऑफिस के नीचे बैठा रहा। पहले तो हम एक आधे घंटे उससे बात करते रहे कि जाओ कुछ नहीं मिलेगा, काफी दूर से आया था वो, नॉर्थ साइड से आया था। और इवनिंग में ऐसा हुआ कि हमें पुलिस बुलानी पड़ी, बिकॉज वो जा ही नहीं रहा था। तो ये सब घटना होती है, हमें बहुत सारे मेल्स आते हैं इस तरह के। तो गेम को गेम की तरह खेलना चाहिए, जस्ट इंजॉय द गेम, इतना ही मत खेलो आपकी क्या बोल सकते हैं, शुगर उतना खाओ भाई कि डायबिटीज ना हो। राइट, बिल्कुल। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट टू एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्साइटिंग इंटरव्यू विद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम। थैंक यू सर।